राकेश बापट और शमिता शेट्टी के बीच पिछले दिनों ऐसी खबरें आ रही थी कि दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है और इसकी वजह से शमिता शेट्टी काफी टूट गई हैं। पर उस वक्त राकेश और शमिता ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, पर अब राकेश ने पूरे मामले पर रिएक्ट किया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अभी हाल ही में शमिता शेट्टी को अवार्ड नाइट में अकेले स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से ही दोनों के ब्रेकअप की खबरें तेज हो गई थी। दरअसल ऐसी खबरें थी कि शमिता को राकेश का पुणे में रहना पसंद नहीं है और वो चाहती है कि राकेश मुंबई में शिफ्ट हो जाए। पर वहीं ब्रेकअप की खबरों के बीच दोनों को एक बार फिर हाथों में हाथ डाले स्पॉट किया गया। साथ ही मूवी डेट पर भी साथ देखा गया, जिसके बाद से ही फैंस ब्रेकअप की अफवाह उड़ाने वाले लोगों को आड़े हाथ ले रहे हैं। एक फैन ने ट्विटर पर राकेश और शमिता के सपोर्ट में एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि मैं उनमें से नहीं हूं जो अपना वक्त इन चीजों में लगाऊं। मैं राकेश और शमिता को काफी पसंद करता हूं। मैं राकेश की बहुत इज्जत करता हूं और इस वजह से मेरी इज्जत उसके बेटर हाफ की तरफ भी उतनी ही है। मैं बहुत बुरी तरह आघात हुआ जिस तरह से दोनों के बारे में सोशल मीडिया पर बातें हो रही थी। दोनों साथ में पिक क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? दोनों साथ में क्यों दिख नहीं रहे हैं? क्या दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, वगैरह वगैरह। क्या आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है? आप लोगों ने ये इसलिए किया क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं। उनका हक है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहते, पर इस पर आप उन्हें गाली देंगे? आप लोगों ने जो भी किया वो गलत है, ये उनकी मर्जी है चाहे उन्हें साथ रहना है या नहीं रहना। अब फैन के इस पोस्ट को राकेश ने रीट्वीट किया है और लिखा है वर्ड, साथ ही हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी पोस्ट किया है। इस पोस्ट से इतना तो साफ होता है कि जिस तरह इनके बीच ब्रेकअप के खबरों को उड़ाया गया था, उससे राकेश और शमिता को काफी बुरा फील हुआ था। पर क्या कहना है आपका इस पूरे रिपोर्ट पर, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।